दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को देख बुरी तरीके से बौखला गए बवुमा, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा भी कह गए सूर्य रोहित के लिए कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब क्या बोले अपने बयान में बवुमा इन सब के लिए, आपको वो तो बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, डेविड मिलर, रोहित शर्मा और बाबर आजम इन T20 के खलीफों में सबसे ऊपर कौन है, सबसे बेहतर कौन है, उसका जवाब नीचे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों सीरीज का दूसरा T20 तो समाप्त हो चुका है, लेकिन इस समाप्त होने के बाद एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग है T20 में नंबर वन बनने की। हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा भरता बना दिया साउथ अफ्रीकी टीम का जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेंगे। इस मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों एक जबरदस्त धमाके के साथ हुई थी। KL राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर 9 ओवर के अंदर 100 रन बना दिए थे। इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप हमने कई महीनों से नहीं देखी थी, जिसमें KL राहुल का 50 दिखा और रोहित शर्मा के भी 43 रन थे। इसके बाद सूर्य ने तो जो कमाल किया उसकी पूरी दुनिया कायल हो गई है। दोस्तों सूर्य ने 18 गेंद में 55 रन तो जड़कर सबसे तेज तर्रार 50 बना दिया अभी तक का। T20 में भी अपने बड़े तेज 1000 रन पूरे कर लिए, पूरे विश्व में सबसे तेज। और दोस्तों इतना ही नहीं, वो 22 गेंद में 61 रन भी लगा गए, जिससे कि हमारी टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा। कोहली ने 49 रन लगाए और जाते जाते दिनेश कार्तिक 17 रन बना गए। कुल मिलाकर हमारी टीम 237 पर जा पहुंची। 238 को चेज करना अपने आप में पहाड़ तोड़ने जैसा साउंड करता है, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी शुरुआती दौर में तो आउट हो गए, लेकिन जाते जाते डेविड मिलर और क्विंटन डीकॉक ने अपनी प्रतिभा दिखाई और मुकाबले को लगभग छीन ही लिया था भारत के हाथों से कि हमारे गेंदबाजों ने एक छोटे अंतर से हमें यह बड़ा मैच जिता दिया। 16 रन के अंतर से दोस्तों हम इस मैच को जीते हैं, और जीत के हकदार तो कई हैं, लेकिन सुपर हीरो सूर्य कुमार यादव ही हैं, और रोहित शर्मा जिनके कप्तानी के बल पर इतनी बेहतर एग्जीक्यूशन निकल कर आई, और इस बल्लेबाजी की पिच पर भी हम मैच को जीत गए इतना बड़ा स्कोर बनाकर। अब दोस्तों भारत की जीत के बाद तो हर कोई खुश है, हर कोई तारीफ के पुल बांध रहा है, केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर। आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, हम बात साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान बवुमा की कर रहे हैं। खुद तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन विरोधियों में कमी निकालना नहीं छोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इतनी बुरी हार के बाद और पहली बार अफ्रीका के भारत में सीरीज हारने पर भी बवुमा ने अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में इस सीरीज जीत के हकदार है। दोनों मुकाबलों में जिस तरीके की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी, सही मायनों में कहूं तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। भारतीय क्रिकेट टीम एक जबरदस्त टीम है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब आप भारत में खेलते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ की पिचेस कब में कब बल्लेबाजी और गेंदबाजी की हो जाए यह तो आपको पता नहीं होता। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। रोहित और कोहली मिलकर कप्तानी करते हैं तो सूर्य के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज हैं जो बल्लेबाजी में शूरवीर बन चुके हैं। ऐसे खिलाड़ियों को हराना आसान नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से तारीफ भी करना चाहूंगा हमारी टीम के खिलाड़ी डेविड मिलर की, साथ ही साथ क्विंटन डीकॉक की। इनका संघर्ष सराहनीय है। हम मुकाबला लगभग जीत ही जाते अगर सूर्य को 10-15 रन पहले आउट कर लेते तो। खैर कोई बात नहीं, सीरीज जीतने का यह हिसाब इनसे वर्ल्ड कप में चुकता कर लेंगे। दोस्तों लगता है कि बवुमा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सीरीज से तो हाथ धो ही बैठे हैं, अब वर्ल्ड कप में भी भारत को चैलेंज कर गए हैं। वो शायद ये नहीं जानते कि वर्ल्ड कप के लिए भारत की किस खतरनाक टीम से उनका पाला पड़ने वाला है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, बाबर आजम और रिजवान में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।